फ्रेंड राधे राधे, कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल में। फ्रेंड मेरा आज तबीयत ख़राब है, आवाज़ भी धीरा आ रहा होगा क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, जैसे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। और यहाँ पर मैं भेज रही हूँ शुभम की दुकान, सामान लाना है, दूध लाना है और ब्रेड लाना है, और इसके पापा दवाई लेके आए हैं। बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत दर्द है। और इसके पापा गए हैं, मेरा और शिवम का अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए। ये देखिए, मैं चावल भिगो कर रखी हूँ। ये मोटा वाला चावल जो आता है ना, ब्राउन राइस, तो वही वाला है। ये जल्दी पकता नहीं है, इसीलिए इसको भिगो कर रखी हूँ। इसको बनाऊँगी मैं गील भात। हमारे यहाँ गील भात बोलते हैं, जैसे खिचड़ी नहीं बना सकते हैं ना। तो ये आटा लगा कर रखी हूँ, बस एक रोटी बना के गाय माता के लिए दे दी हूँ। तो दवाई इसके पापा लाए हैं, तो जहाँ पर मेडिकल से दवाई लाए तो बोले हैं कि हल्का खाना बोल दीजिएगा खाने के लिए। तो यही बनाऊँगी गील भात। और खिचड़ी नहीं बना सकते फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब मकर संक्रांति आएगा ना, उसी दिन खिचड़ी बनता है, उसके बाद से हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, इसलिए खिचड़ी नहीं बनाऊंगी। इसमें नमक डाल के बस गील, एकदम गीला जैसे खिचड़ी बनता है वैसे बनाऊंगी। अभी तो कोई काम भी नहीं की हूँ, बस नहाई हूँ, पूजा पाठ की हूँ, पोछा झाड़ू लगाई, वो भी बहुत मुश्किल से करी हूँ फ्रेंड, मन नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड आ गए हैं, और आधार कार्ड अपडेट हुआ है हमारा? हो गया। खाली आपका हुआ है, बाबू का? दोनों को तो हाथ पैर धो लीजिए खाने में आ गए हैं। तो और यहाँ पे मैं रख दी हूँ चावल बनने के लिए, माड़ भात, गील भात बनने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड, गील भात बन गया है, इसमें नमक डाल के बस बनाई है। अब मैं जा रही हूँ खाने, यहाँ पे निकाल दी हूँ खाना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं गील भात खा रही हूँ, धूप में बैठ के खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है धूप में, इसीलिए धूप में बैठ के खाने लगी खाना। तो देखिए फ्रेंड, अभी खाना बनाने जा रहे हैं अपने लिए और शिवम के लिए। गील भात बनाई थी तो मैं थोड़ा सा खाई हूँ, शिवम खाया है, और इतना बच गया, इतना बचा हुआ है। और ये बना रहे हैं घिया की सब्जी, उसमें आलू डालेंगे। तो ये आलू और घिया काट दिए हैं, और यहाँ पर प्याज। मेरा तबीयत ख़राब हो गया है तो ये खाना बना रहे हैं, नहीं तो मैं ही बनाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ दवाई खाने फ्रेंड, पहले पानी गर्म कर लूँगी उसके बाद से। फ्रेंड पानी गर्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ दवाई खाने। ये कोई काम करने ही नहीं दे रहे हैं मुझे, बोल रहे हैं कि जाओ तुम दवाई खा के लेट जाओ। अभी सब्जी बनाएंगे, अब मैं जा रही हूँ दवाई खाने। दवाई मैं खाई हूँ, ये गैस की दवाई है, तो इसको खा चुकी हूँ, तो इसको नहीं खाऊँगी। और ये खाऊँ, पेट दर्द का है, इसको खा ले रही हूँ। खाया दवाई, अब मैं इसको खा ले रही हूँ। बहुत कड़वा है फ्रेंड दवाई। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, शिवम के पापा सब्जी कितना अच्छा यम्मी बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे मैं लेटी हूँ, पेट में दर्द हो रहा है फ्रेंड, तो मन नहीं कर रहा कुछ करने का। तो शिवम के पापा बोले थे जाओ लेट जाओ, मैं सब्जी बना दूँगा, तो मैं यहाँ पर लेट गई। देखते आपका चिकन फेल करने वाला सब्जी कैसा कैसा लग रहा है? खड़ा मसाला है। कैसे बनाए हैं? अच्छा बनाए हैं। अच्छा बनाए, देख लो, देख लो। अभी तो शिवम दिखाया था। तो फ्रेंड शाम हो गया है, देखिए शाम हो गया है, 5:20 हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं आधार कार्ड अपडेट करवाने। शिवम का पापा का हो गया था, मेरा और शिवम का नहीं हुआ था, तो हम तीनों लोग जा रहे हैं अपडेट करवाने के लिए। और मेरा तबीयत अभी सही नहीं हुआ है, मैं उधर ही से दवाई ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं और शिवम, इसके पापा आ गए हैं मार्केट में,
आधार कार्ड जहाँ बनता है ना, तो ज़्यादा दूर नहीं है, अब आ गए हैं। तो शिवम पापा जी आ गए हम लोग पीछे। और यहाँ पे के फ्रेंड भागवत पता चल रहा है, हम और शिवम खड़े थे, उसके पापा के लिए खड़े थी, वो पीछे हो गए थे। तो ये देखिए कितना अच्छा गुल्लक मस्त लग रहा है ना, मटका और गुल्लक। अब हम लोग जा रहे हैं आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए। तो देखिए हम लोग आ गए हैं आधार कार्ड के अपडेट करवाने के लिए, यहीं पर होगा मेरा और शिवम का। तो फ्रेंड अब आधार कार्ड अपडेट तो हो गया, अब आ रही घर मतलब आ रही थी ना, तो रास्ते में मिल गई, हम लोग भुजा बोलते हैं ना, चना आलू ये सब मिक्स मूँगफली उंगली डाल के बनाते, बहुत मस्त लगता है। तो ये मैं ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा लगता है। तो इसके पापा गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे कि पेट में दर्द है, अब भुजा खरीद ली, मैं और शिवम खाए थे। तो ये देखिए अब जा रहे हैं घर, ये पार्क के तरफ से जाते हैं, ये पार्क है, इधर ही से जाएंगे। शिवम पापा तो पीछे है, शिवम भी पीछे है, मैं ही अकेले हूँ जा रही हूँ। वो लोग ना शिवम के लिए कुछ ले रहे थे। क्या लिया है बाबू? स्प्रिंग रोल बोल तो रहा हूँ। शिवम अपने लिए स्प्रिंग रोल लिया है, ये देखिए, और मैं जो ली थी वो खा रहा है। तो फ्रेंड हम लोग आ गए घर, और यहाँ पे देखिए मैं जो जला दी हूँ, और इधर बाप बेटा दोनों लोग खा रहे हैं स्प्रिंग रोल। देखिए शिवम भी खा रहा है, ये भी खा रहे हैं। और मैं दाल लाई थी ना, मैं उधर से दाल ली, एक दिन दाल लाई थी आधा किलो मार्केट से, तो थोड़ा सा था मेरे घर, तो रोज मतलब दाल हमेशा बनता है, एक दिन दो दिन बाद। तो दाल ख़त्म हो गया था, आधा किलो दाल था, वो तो ख़त्म होने वाला है थोड़ा सा है। तो ये देखिए 2 किलो दाल लाई हूँ, और रास्ते में गिर गया था मेरा दाल, एक मुट्ठा तक गिर गया रास्ते में, एक ही पन्नी है। इसके पापा बोले थे कि 2 पन्नी में ले लो, पर मैं बोली रहने दीजिए हो जाएगा, पर गिर गया रास्ते में। और आलू भी लेके आई हूँ, 4 किलो आलू। इसके पापा देखिए इधर रखे हैं बाहर, 5 किलो आलू भी लाई हूँ, 50 के 5 किलो आलू दे रहे थे, तो ये देखिए लेके आ गई। अब इसको आलू वाले टोकरी में रख दे रही हूँ। देखिए आलू भी थोड़ा सा था, देखिए टोकरी में थोड़ा सा आलू है, तब इसमें डाल दे रही हूँ ये सारा आलू। ये देखिए फ्रेंड दिल वाला आलू, कैसे पहली बार देखी हूँ मैं, देखिए दिल कितना अच्छा लग रहा है ना, दिल वाला आलू। देखिए फ्रेंड इतना दाल है, आधा किलो दाल लाई थी ना, उसमें इतना ही बचा है, तो ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इतना बन बच गया, तो इसको रख दे रही हूँ, ये सब करके बांध के थैला में, इसी में रख, मैं मतलब जो भी सामान बच जाता है ना, तो इस थैला में रख देती हूँ। और इतना देखिए दाल हो गया कलर का, अब जाएगा ज़्यादा दिन दाल, इसको अब रख दे रही हूँ। शिवम के पापा देखिए खाना खाने जा रहे हैं, यही बनाए थे, बोल रहे तुम लोग अपना बना के खाना, मैं तो जो बनाया था वो खाने जा रहा हूँ। तो सुबह में जो आटा लगाई थी वही बचा है, जा रही हूँ उसी को रोटी बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। सब्जी है, सब्जी तो है फ्रेंड, ये सब्जी है, बस रोटी बनाऊंगी और ये खाने जा रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। ये सुबह हम अपने पापा से चावल मांग रहे हैं, बोला थोड़ा सा दे दे चावल से, थोड़ा सा। रोटी नहीं खाएगा? थोड़ा रोटी नहीं खाएगा, रोटी खाने के डर से देखिए चावल अपने पापा से मांग रहा है। मेरा इस समय पेट सही है फ्रेंड, नहीं तो ना पूरे दिन में एकदम दर्द से परेशान थी, सोई थी। इसके पापा सब्जी बनाए, बाकी सब मतलब यही किए थे, सब्जी में जितना होता है वही किए थे, और चावल में रख दी थी, और पूरा घर का सारा काम होगा। पर शिवम भी बहुत हेल्प किया है फ्रेंड, बर्तन धोया था, मैं सो गई थी, बोल रहा है आधा से ज़्यादा काम मैं ही किया हूँ। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।
काम किया है शिवम। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने फ्रेंड, और मैं खाऊंगी। शिवम तो अब रोटी खाएगा ही नहीं, क्योंकि चावल अपने पापा से मांग लिया, वो खाने जा रहे थे तो उन्हीं में से लेके दिखा रहा है इतना सा है। तो चलिए मैं रोटी बनाऊंगी, उसी में खा लेना। देखिए कितना थोड़ा सा मिला, वो भी एक चटनी जो मिला था ना इसके रोल का जो चटनी आया था वही डाल के खा रहा है। कैसा लग रहा है? अभी खाया हूँ नहीं, पहले बता। अच्छा, इधर ये सर सर खींच रहे हैं। अच्छा लग रहा है, देखिए इसको अच्छा लग रहा है। सीवन को जा रही हूँ देखने मैं, क्या बोलते हैं, अनमोल को मम्मी आग जलाई थी, उसी में शक्करकंदी डाली थी, तो पता ना जल गया कि बचा है। हम लोग चले गए थे तो अनमोल को मम्मी सब बोल के गई थी निकाल दीजिएगा, पता ना निकाली है कि नहीं है। अच्छा अनमोल का मम्मी, अरे नहीं है, अंधेरा अंधेरा है इधर, देखिए क्या पता जल गया है कि बचा है। किधर है रे बाबू, आगे है ये नहीं है इसमें। आंटी निकाल के लग रहा है धर रख दिए घर में, नहीं है इसमें आग नहीं है फ्रेंड। अनमोल को मम्मी लग रहा है रख दी है। तो फ्रेंड अनमोल को मम्मी तो लग रहा है चली गई है, सब्जी लाने गई होंगी, नहीं तो उसके चाची के पास गई होंगी। तो आएंगी तो मैं उनसे मांगूंगी शक्करकंदी, आग में भुना हुआ जो शक्करकंदी रहता है ना बहुत मज़ा आता है खाने में। तो 5 बचा था, कल लाई थी परसों शक्कर चौथ के लिए, तो 5 बचा था तो आग में डाल के चली गई। और उनसे बोल के गई थी कि निकाल दीजिएगा, तो निकाल के लग रहा रख के गई होंगी। और शिवम बोल रहा है मैं ब्रेड खाऊंगा, जो सुबह लाया था ना ब्रेड, बोला मैं दूध ब्रेड खा लूंगा पर रोटी नहीं खाऊंगा। देखिए आटा रखी हूँ ना, थोड़ा सा आटा, मैंने ये नहीं कहा हूं कि रोटी नहीं खाऊंगा, खाएगा ना, देखिए बोला नहीं कहा रोटी कैसे खाऊंगा। हाँ ये इसका ये मतलब है कि ये नहीं खाएगा, मुझे ही खाना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए बनाऊंगी, इतना सा आटा है ज्यादा नहीं है, तो मैं रोटी बनाऊंगी। और जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड आप लोग। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक फॉर वॉचिंग।